सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कई भाइयों और कई लोगों के मेरे वीडियो पर कमेंट्स आ रहे थे जो कि BSNL के ऊपर मैंने बनाए थे, नेटवर्क कवरेज का हो या फिर टावर कब तक कितने लग जाएंगे, फाइनल डेट कब तक है, लॉन्च डेट, 4G डेट, इन सारे टॉपिक्स पर जब मैंने वीडियो बनाए तो मेरे पास कई बहुत सारे कमेंट्स आए कि जिन क्षेत्रों में दोस्तों 4G लाइव हो गया है, 4G साइट्स जो है BSNL ने अपने लाइव कर दिए हैं, तो वहाँ पर कई भाइयों के फ़ोन में 4G आए, उन्होंने कई दिन 4G यूज़ भी किया, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, या इधर आप कह सकते हो साउथ का एरिया हो, कुछ कोलकाता का एरिया हो, कई जगह से मेरे पास कमेंट्स आए थे, झारखंड का हो, तो कई सारे क्षेत्रों से मेरे पास कमेंट आए थे कि सर मेरे मोबाइल में 4G आ गया है, BSNL का 4G अच्छा चल रहा है और स्पीड भी अच्छी आ रही है। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो कहते हैं कि सर अब जो है 4G नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई और इसका कारण क्या है, ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो पर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचाता रहूँ मैं। तो आइए बात करते हैं कि दोस्तों ये दिक्कत आ क्यों रही है। तो मैं बात कर रहा था कि जिन भाइयों के कमेंट आए थे मेरे पास कि सर मेरे मोबाइल में 4G आया, मैंने कुछ दिन यूज़ भी किया, लेकिन अब जो है 3G आ रहा है और H+ आ रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BSNL जो है अभी लगातार जो है उसका काम चल रहा है टावर लगाने का, 4G को जो है पूरे देश भर में उनका टारगेट है कि जून 2025 तक और 100,000 टावर लगाने हैं। और ये जो है ऑफिशियल बयान टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से आया था कि जून तक उनका टारगेट है कि 100,000 टावर 4G पूरे देश भर में हम लगा दें और उनको एक्टिव कर दें, लाइव कर दें, सर्विसेज अपने कस्टमर तक जो है पहुंचाएं, BSNL कस्टमर तक। लेकिन हो क्या रहा है कि पहले टारगेट था कि अक्टूबर तक 80,000 लग जाने चाहिए थे, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि अक्टूबर के लास्ट तक उनका टारगेट था कि 80,000 4G टावर लग जाना चाहिए था और जून तक 100,000 टावर लगाने का इनका जो है पूरा टारगेट था। लेकिन क्या हुआ कि अभी तक ये पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक मेरे ख्याल से 25,000 से 30,000 जो है 4G टावर ये अभी तक जो है लाइव हुए हैं और इसकी सर्विसेज जो है लोगों को मिल रही है, 4G सेवाएं जो है जो BSNL के यूज़र हैं, BSNL के कस्टमर हैं, उनको मिल रही है 4G सेवाएं, और वो अभी तक दोस्तों 25,000 से 30,000 टावर ही लग पाए हैं। तो इसको देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि जून तक भी इनका टारगेट कम्प्लीट हो पाएगा 100,000 टावर लगाने का। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, टावर पूरा का पूरा टावर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, टावर ऑलरेडी लगे होते हैं, टावर के अंदर जो है अपने सॉफ्टवेयर अपने इक्विपमेंट को जो है 4G में अपडेट करने के लिए हर कंपनी, एक टावर में दोस्तों 2-3 कंपनियों के नेटवर्क लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई आपने पर्टिकुलर टावर देखा अपने क्षेत्र में तो सोचा कि ये पूरा का पूरा जियो का है, ऐसा नहीं होता है। एक टावर के अंदर जियो का भी हो सकता है, वोडाफोन का भी हो सकता है, एयरटेल का भी हो सकता है और BSNL का भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके क्षेत्र में जो दिखाई दे रहा है टावर वो प्रॉपर किसी एक कंपनी सिंगल कंपनी का है, तो ऐसा नहीं होता है। तो आइए टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था कि 4G आया और फिर उसके बाद गायब हो गया, तो उसका कारण क्या है। तो मैं अभी आपको बता दूँ कि मैंने अभी बताया कि अभी 25,000 से 30,000 टावर लगे हैं और दोस्तों उनकी जो है अभी पूरी की पूरी जो है सर्विसेज उसको पूरा का पूरा एक्टिव नहीं किया गया है कि परमानेंट उसको नहीं कर दिया गया है, अभी ट्रायल चल रहे हैं, अभी वो हर क्षेत्र में लगा करके ट्रायल चल रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही की न्यूज़ आई थी दिल्ली के IIT क्षेत्र में और चाणक्यपुरी क्षेत्र में 2-3 साइटें जो है 5G का भी BSNL का जो है आया है, ट्रायल चल रहा है उस पर। लेकिन अब उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं जी 5G आ गया दिल्ली में, अभी 4G ही नहीं आया है दिल्ली में तो 5G कहाँ से आएगा। तो मेरा मकसद यही है बताने का कि जिनको ये दिक्कत आ रही है कि सर मेरे फ़ोन में 4G आया, मैंने यूज़ भी किया कि अब नहीं आ रहा, तो इसका कारण ये है, ध्यान से सुनना, कि अभी जो भी साइट्स BSNL के 4G के अभी लाइव हुए हैं यानी कि नेटवर्क आना शुरू हुआ है उसमें, तो वो समझ लो कि अभी ट्रायल चल रहा है, उसको परमानेंट फिक्स नहीं किया गया है वहाँ पर कि अब लो जी सारे सेटअप हो गए हैं, सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं, अब ये सारा इक्विपमेंट हमने अपना इंस्टॉल कर दिया टावर पे BSNL का 4G के लिए, 4G सेवाएं देने के लिए उस क्षेत्र में, लेकिन अभी उस पर ट्रायल ही चल रही है। सारी चीज़ें करके वो ट्रायल करते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें दे दी, हमने इतनी स्पीड, हमारी ये टेक्नोलॉजी, हमारा, क्योंकि BSNL सारा चीज़ स्वदेशी यूज़ कर रहा है, अपने भारत में बने हुए इक्विपमेंट को यूज़ करेगा इस 4G को और 5G को भी
सेवाएं देने के लिए, सर्विसेज देने के लिए। तो इसीलिए वो ट्रायल का मतलब आप समझ रहे हैं, ट्रायल का मतलब यही है कि अभी लगा करके पूरा वो चेक करते हैं प्रॉपर, वो खुद डिवाइस से चेक करेंगे कि भाई हमारा नेटवर्क सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही से रेंज क्या है, कहाँ तक इसकी जो है रेंज जा रही है नेटवर्क कनेक्टिविटी की, और कहाँ तक अच्छी कनेक्टिविटी है, कहाँ तक कितने मीटर या किलोमीटर के दूर जाने के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी या फिर इसका नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ट्रायल चल रहा है, इसीलिए जहाँ पर ये नेटवर्क लगाए गए होंगे, सर्विसेज लाइव करी होगी, साइट्स लाइव होती हैं एक्चुअली, सर्विसेज तो जब लाइव हो जाएगी सारे सेटअप होने के बाद सर्विसेज लाइव करी जाएंगी। अभी तो ये इनका जो ट्रायल है तो अभी लगा करके ये चेक कर रहे हैं सब कुछ, तो इसीलिए उस क्षेत्र में 4G तो आ जाते हैं लोगों के पास, जिनके पास BSNL के सिम हैं उनके पास 4G आए होंगे, उसके फ़ोन में चला भी होगा, और उसके बाद जैसे ही इन्होंने फिर उसको क्लोज़ किया होगा तो वहाँ से चला गया होगा 4G, फिर उनके फ़ोन में वापस 3G चल रहा होगा। तो जब ये परमानेंट फिक्स कर दिया जाएगा, सारे इक्विपमेंट, सारे सॉफ्टवेयर, सारा सेटअप ये कंप्लीट हो जाएगा, फिक्स कर देंगे परमानेंट BSNL वाले, तब जाके ये परमानेंट 4G सेवाएं आप तक पहुंच पाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं आ रहा है और इसका कारण क्या है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, बता दिया कि क्या है। और एक्चुअली इसमें आपको मैंने ये भी बता दिया कि अब टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर बोल तो रहे हैं कि जून 2025 तक जो है 1 लाख टावर लग जाएंगे पूरे देश भर में, उसके बाद 6 से 8 महीने के अंदर 5G सेवाएं भी उसी टावर्स के अंदर जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करके, फिर उसके अंदर जो है नए नए जो है इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको 4G से 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये न्यूज़ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं जिस तरह से काम चल रहा है कि अभी तक अक्टूबर में 80,000 टावर लगाने का टारगेट था, लेकिन अभी लगे हैं 30,000-35,000 साइट्स, अभी वो भी लाइव हुए हैं, अभी प्रॉपर उसकी सर्विसेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, अभी भी ट्रायल ही चल रहा है। तो क्या जून 2025 तक 1 लाख टावर लगा सकते हैं BSNL वाले? आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके, और साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।